बोल रवि कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? सच? रवि, रवि क्या तुझे रवि का बाप भी नहीं बचा सकता? मारिया तू भाग यहाँ से, भाग! मारिया भाग! बांधो साले को पकड़ के, बांधो! कल मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टीज के पेपर है ना, वो। मगर वो रानी माँ, रानी माँ। मारिया, रानी माँ रवि को बचा लो, पुलिस उसे मार रही है। कहाँ? पुलिस स्टेशन में, प्लीज उसे बचा लो। मिस्टर माथुर। सर आप? तुम मुझे जानते हो? सर आपको कौन नहीं जानता, आप तो हिंदुस्तान के जाने माने वकील हैं, लेकिन आप यहाँ कैसे? ये रवि का बेल ऑर्डर है, वो मुझे अभी इसी वक्त यहाँ चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, हौलदार रवि को लाओ, आप बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। ये तरीका लोगों से इंकारी करने का? एक बात सुनो इंस्पेक्टर, सितारे आसमान पे ही नहीं बल्कि पुलिस के शोल्डर पे भी गर्दिश में आ जाते हैं। और रवि, तेरी ये कुत्तों जैसी हरकत जाएगी नहीं, जहां लड़की देखी वहां राल टपकानी शुरू कर दी। ए, उस लड़की को टॉर्चर करने की क्या जरूरत थी है? ये खाकी वर्दी पहन के तू समझता है तू जो चाहेगा करेगा? वो जो आदमी आया था ना वो तेरी तो क्या, वो तेरा साला अय्याश भैनोई पुलिस कमिश्नर है ना, उस तक की खाल उतार लेगा। सॉरी सर, गलती हो गई। अरे क्या गलती हो गई, सारे किए कराए पे पानी फेर दिया तुमने। नॉनसेंस करण। ब्रदर तुम राजू से कहो कि रवि के पास उसकी तबीयत पूछने जाए, अगर वो नहीं गया तो उसे शक होगा, समझे? ओके ब्रदर। गलती हो गई। रवि ये सब कैसे हो गया यार? जो होना था हो गया। तू आना बैठ। आ तू कैसा है रे? मैं तो ठीक हूं। अच्छा ये बता माँ कैसी है? माँ भी ठीक है। अच्छा यार किसी चीज की जरूरत हो तो बता। तुमसे? सब कुछ तेरा ही तो है, और जो दे दिया उसे वापस लेना कमजोर लोगों का काम है। माँ कह रही थी कि उस पुलिस ऑफिसर को नहीं छोड़ेगी। और तुम? हाँ मैं भी तो यही चाहता हूं। इसी सिलसिले में लॉयर से मीटिंग है, मैं चलूं? जाओ। वो मारिया ऐसे घूर कर देख रही थी मेरे को जैसे मैं राजू नहीं वाडेकर हूं। साला कुत्ता इंस्पेक्टर, जानता है तेरी वजह से मारिया मेरे पे शक कर रही है, पूछती है मैं क्या कर रहा था। इसीलिए तो कहता हूं कि रवि को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो औरत होगी जो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी। नहीं। हाँ तुम्हारा ऐशो आराम धन दौलत सब कुछ छीन लेगी। नहीं, ये सब कुछ मेरा है और इसे कोई नहीं छीन सकता, मेरा है सब कुछ, मेरा। क्या चाहिए? तुम्हारी मौत। Push.
बोल, किसने भेजा तुझे? बोल। राजू साहब ने, उन्होंने हमें पैसे दिए। रवि को, रवि बाहर डालो, बाहर डालो। राजू। हेलो, मैं रवि बोल रहा हूँ। थाना क्रॉसिंग रोड पे मैं तेरा आज इंतजार कर रहा हूँ। मेरे पास आज वक्त नहीं है। तू तो क्या, तेरा बाप भी आएगा, समझे? हेलो रवि, कैसा है तू? फर्स्ट क्लास। जिंदा हूं। वैसे तुमने मुझे मारने की तो बहुत कोशिश की थी, मगर वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। क्यों रवि, तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? खुशफहमी हो गई थी। न जाने क्या समझ बैठा था तुझे। हमदर्द, हमराज, दोस्त, मगर तू तो कमजात निकला रे। तूने मुझे मारने की लाख कोशिश की थी ना, मगर मार नहीं सका। लेकिन अगर मैं चाहूं तो तुझे एक मिनट में खत्म कर दूं, मगर नहीं। मेरी मां तेरा मुंह देखकर जीती है, तुम्हारी मौत मेरी मां की मौत होगी। रवि, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। समझा तो तुझे मैं अब हूं राजू। तुम एक ऐसे घिनौने शख्स हो जिसके पैदा होने से पहले वो औरत जान गई थी कि वो एक इंसान को नहीं, एक सांप को जन्म दे रही है। इसलिए तो वो तुझे रास्ते पर छोड़कर चली गई। अरे बचपन गुजर गया तेरा अनाथालयों की ठोकरे खाते खाते। मैंने तुझे अपना एक दोस्त भाई समझकर अपनी धन दौलत गाड़ियां बंगले सब कुछ दे दिया जो कि मेरा मेरे बाप का है। अरे ये क्या, मैंने तुझे अपनी सबसे बड़ी दौलत अपनी मां, राजू अपनी मां तुझे दे दी। मगर अफसोस, तू क्या जाने मां क्या होती है, उसकी मोहब्बत, उसकी दीवानगी क्या होती है। बस बस रवि, तुम्हारे मगरमच्छ के आंसुओं का मेरे दिल पर कोई असर नहीं होगा राजू। एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने मेरी मां की कमजोरी का फायदा उठा के उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की ना, तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी, मार डालूंगा तुम्हें। जा, उस औरत की तुफेल में मैंने तेरी जान बख्श दी जो कि मेरी मां है, मेरी। तुम एक ऐसे घिनौने शख्स हो जिसके पैदा होने से पहले वो औरत जान गई थी वो एक इंसान को नहीं, एक सांप को जन्म दे रही है। इसलिए तो वो तुझे रास्ते पर छोड़कर चली गई। अरे बचपन गुजर गया तेरा अनाथालयों की ठोकरे खाते खाते। मैंने तुझे अपना एक दोस्त भाई समझकर अपनी धन दौलत गाड़ियां बंगले सब कुछ दे दिया जो कि मेरा मेरे बाप का है। तू क्या जाने मां क्या होती, उसकी मोहब्बत, उसकी दीवानगी क्या होती है। तू क्या जाने मां क्या होती है, उसकी मोहब्बत, उसकी दीवानगी क्या होती है। तू क्या जाने मां क्या होती है, उसकी मोहब्बत, उसकी दीवानगी क्या होती है। तू क्या जाने मां क्या होती है, उसकी मोहब्बत, उसकी दीवानगी क्या होती है। तू क्या जाने मां क्या होती है, उसकी मोहब्बत, उसकी दीवानगी क्या होती है। तू क्या जाने मां क्या होती है, उसकी मोहब्बत, उसकी दीवानगी क्या होती है। तू क्या जाने मां क्या होती है, उसकी मोहब्बत, उसकी दीवानगी क्या होती है। तू क्या जाने मां क्या होती है। डॉक्टर, राज साहब के ग्रुप का खून हमारे पास खत्म हो चुका है रानी माँ। अगर 10 मिनट के अंदर खून नहीं मिला तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, मेरे राजू की जान बचा लीजिए,
चाहिए तो मेरे खून का एक एक कतरा ले लीजिए, मगर मेरे राजू की जान बचाइए। रवि माजी, रवि ये सब, रवि मेरा राजू मौत के मुंह में जा रहा है। रानी माँ नहीं, मेरे होते हुए राजू को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, मैं हूं ना। देखिए आप मत रोइए प्लीज, आप मत रोइए। डॉक्टर मैं आपका खून चेक करना पड़ेगा, आइए मेरे साथ। चलिए मुबारक हो रानी मां, राज साहब बच गए। मुबारक का असली हकदार तो ये है, तेरे एहसानों का ये बोझ मैं कैसे उठाऊंगी बेटे, कैसे उठाऊंगी? नहीं माँ जी, इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। राजू कैसा है तू बेटा? आज रवि ने अपना खून देकर तुझ पर ही नहीं हमारे खानदान पर एहसान किया है, उसने नई जिंदगी दी है तुझे। रानी मां, रवि आप आराम कर लीजिए, कितनी थक गई हैं आप, राजू को मैं संभाल लूं। नहीं बेटे, आपको मेरी कसम, आइए आइए। रवि, रवि मैं तेरा ये एहसान, मैंने तुझ पर कोई एहसान नहीं किया राजू, मैंने तुम्हें खून सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि मैं अपनी मां की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, वरना तुम खून तो क्या पानी पिलाने के काबिल भी नहीं हो। आज मेरी मां तुम्हें जिंदा देखकर बहुत खुश है, बहुत खुश, और उसकी खुशी के लिए मैं खून तो क्या अपनी जान भी दे सकता हूं। तुम खून तो क्या पानी पिलाने के काबिल भी नहीं हो, पानी पिलाने के काबिल भी नहीं हो। राजू कौन है, कौन हो तुम? मैं जमीर हूं राजू, जिसे तूने अपने हवस के मलबे पर लटकाकर मार डालना चाहा, लेकिन मैं तेरे हवस के मलबे पर लटक कर अब भी जिंदा हूं। मैं जमीर हूं राजू, जो वक्ती तौर पे दब तो सकता है लेकिन मर नहीं सकता। देखा उस शरीफ इंसान के खून का करिश्मा, जो बेमर्जी होकर भी तुझ जैसे लालची और खुदगर्ज इंसान को जिंदगी दे जाता है। अरे तू क्या जाने शराफत और इंसानियत क्या होती है, क्योंकि तू तो दो हवस परस्त इंसानों की वासनाओं की गर्मी से टकराने वाले लहू का नतीजा है, जिसे खुद जन्म देने वाली गुनाह समझकर गंदगी के ढेर पर फेंक जाती है। अरे तू क्या जाने दोस्ती क्या होती है राजू, तू तो दोस्ती के नाम पे कलंक है कलंक। अगर तुझ में अब भी थोड़ी सी शर्म बाकी है तो चुका दे उस एहसान को, उतार दे उसका कर्ज, बता दे उस मां को कि तू कौन है, वरना याद रख मरने के बाद भी तुझे सुकून नसीब नहीं होगा, तुझे सुकून नसीब नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं! मैं उसका कर्ज चुकाऊंगा आज ही, अभी इसी वक्त चुकाऊंगा।